सारे घर में मॉर्निंग फैमिली, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून फैमिली, कैसे आप सब, आप सबका स्वागत है क्रिप्टो ब्लॉग के चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमेशा हम जब चैन पहनते हैं तो मेरा कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर तो कभी उधर, मैं इसको सही कर लेती हूँ। और टाइम बज रहा है 1:15 और अभी तक हम नहाए नहीं है, हमारे घर पानी नहीं था। जैसा कि आप लोगों ने मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखा था कि हमने पानी पे बनाया था कि हमारे घर में पानी नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है पानी की। तो अभी थोड़ी देर हुआ है, 1 घंटा हुआ है पानी है, तो सारे घर में पानी भरा गया है। तो मैं सोची कि जब तक पानी नहीं है, मतलब भरा जा रहा था, तब तक और सब चीज कामें कर लेती हूँ, तो सारा काम कर ली हूँ। और ये मैंने इनको गिफ्ट दिया है, ये आप देख सकते हैं, मैं आज मैं इनको कैमरे में ये कैमरा गिफ्ट दी हूँ। आज के बाद ये छोड़ मत करो, आज के बाद में ये जो वीडियो शूट करेंगे ना, तो ये कैमरे से ही शूट करेंगे। वीडियो चलता नहीं, इनके खुशी का ठिकाना नहीं कि मैंने इनको ये कैमरा दे दिया है, तो कैमरे की वजह से ये अभी आज करेंगे। इतना हवा में उड़ रहा है कि मेरी बीबी मेरे को कैमरा दी है। किट्टू दिनिया, किट्टू ने दिया अपने पति को कैमरा गिफ्ट, किट्टू ने दिया अपने पति को कैमरा गिफ्ट। ये देखिए इसका कवर है, झूठ बोल रही है। नहीं झूठ ना बोल, पति देव झूठ बोल रही है। नहीं देखो, देने के बाद भी देखो, आज का देखिए, पहले जो कैमरे की क्वालिटी थी दूसरा आएगा। अभी ये देखिए इससे करेंगे शूट, तो आप लोग देख सकते हैं कैमरा, ये मैंने इनको कैमरा दिया। अभी मैं गया, हाँ किट्टू ने मुझे कैमरा दिया। और बाबू बार बार बोल रहा है कि मौसी आज के बाद मैं मेरा भी इसी से शूट करना है। बाबू का बर्थडे आने वाला है दोस्तों, आपको सबको पता चल कि बाबू का बर्थडे 21, वो भी 21 मई को। ये देखो बाबू पापा चिल्ला रही है, खाना लेकर चली आए। ये देखो हमको हमेशा नौटंकीदार बोलती है, खुद नाटकबाज है और मेरे को नौटंकीदार बोलती है। सबके बर्थडे कितना है, और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद मैं आज रील्स वीडियो बनाऊंगी, और आप लोग रील्स वीडियो देखिएगा, वो रील्स वीडियो इतना झक्कास रहेगा, मस्त रहेगा। आजकल मैं बहुत रील्स वीडियो बना रही हूँ, मेरी तबीयत पहले से बहुत सही है दोस्तों, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार की वजह से मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। लव यू, जितना प्यार करूँ उतना आप लोग के लिए कम है। तो चलिए ठीक है, दिन भर में आज जो मैं जो करूँगी आप सबको दिखाती रहूंगी। बाय बाय। बर्थडे है 21 को, लेकिन अभी से बैलून फुलाया जा रहा है, रही सबकी तैयारी, बर्थडे की तैयारी हो रही है। देखिए आप लोग थोड़ा सा ये कैमरा दिखाइए तो, ए जी थोड़ा दिखाई कैमरा, कैमरे ने प्यार से गिफ्ट दिए, तो कम से कम एक दूसरा थंबनेल बनाएंगे। किट्टो बोल रही है झूठ, इतना देख लो, हमको ऐसे बदनाम कर रहे हैं। मैं यही आज मैं एक डाल दूंगी, समझ लीजिएगा। और इनको तो जब देखेंगे तो आप लोग, ये हमारे कपड़े पहने रहते हैं, इनको तो लड़कियों का कपड़ा पसंद नहीं आता है, तो लड़कों का पसंद नहीं आता तो लड़कियों का ही पहनते हैं, तो बहुत ही गुस्सा। मुझे लड़कियों का कपड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे मेरा बसल मैक्सी पहन के सोऊं। आपका बसल तो बहुत कुछ कर लेंगे, आपके बस में तो कुछ है नहीं। अच्छा है कि आपका कुछ बस नहीं चलता है, वरना तो जाओ फुला हुआ ना, लड़कियों की कमी हो जाएगी इस वर्ल्ड में, इस संसार में लड़कियों की कमी हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे से रखिए, इतना प्यार से गिफ्ट दिए तो कम से कम इसको हिफाजत से रखिए। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, देखिए कितना अच्छा हवा चल रहा है, बहुत मस्त हवा चल रहा है, गजब का मौसम है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना महंगा महंगा दवाई नहीं खा करके साला फेंक दे रहे हैं। दवा चेंज एगर किसी किसी का, इतना दवा खाते थे फिर दवा चेंज करते थे, फिर मुझे लोगों को दूसरा दूसरा देता, इतना महंगा महंगा दवाई, ये वापस हो जाएगा। अभी कौन दवा लेगा जी, इसमें भी है, ये भी है, इसके अंदर भी। एक दवा तो समझ लो पूरा खाए भी नहीं थे, एकदम नहीं खाए थे, दूसरे दिन तुरंत चेंज कर दिए थे ना जी। मेरा ऋषभ हमको दवा लेकर आया कि मौसी लो खा लो ना। ऋषभ थैंक यू, ये सब बहुत अच्छा लड़का है, सब दवा नहीं क्या वापस करोगे, फेंक दे रहे हैं। वीडियो शूट कर रहे हो मेरा, सारा पैसा तो टीवी में जा रहा है, टीवी बहुत महंगा है, देखो ये सब मांग रहे हैं। दे दे पहले मुझे लगता था ये अच्छा नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छा है। जब पहले चाचा लाते थे ना कीवी, मैं सोचती थी ये क्या है, तो ना खा के देखी तो अच्छा था, सोचा कि अच्छा। ऋषभ मुंह से हाथ निकालो, ऋषभ कीवी अच्छा लगता है ना, ये भी नहीं खा रहा था।
चौबीस लोग काट के दिए थे तो अच्छा फायदा। ये भी हम इसलिए खाते हैं दोस्तों कि लोग बोलते हैं टाइफाइड में खाना चाहिए, बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, तो इसलिए बहुत महंगा है, लेकिन डब्बल पनीर मेरे लिए लेकर आते हैं खाने के लिए। डब्बे में चार पीस आता है, चार पीस डेली लेकर आते हैं, मतलब चार दिन का चलता है, एक दिन एक खाते हैं। और उसमें से अगर बच्चे मांगते हैं बच्चे को भी दे देते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते, क्या पता ही नहीं की वजह से हम खाते हैं। अच्छा, हमें तो पता नहीं था भगवान का रूप होते। सबका बर्थडे आने वाला है 21 और ये सबको मैं गिफ्ट दूंगी, पता नहीं मैं क्या। आज मैं पति देव को गिफ्ट दी हूँ, अच्छा मुझे गिफ्ट दी। ओके, तुम ऐसे बाबू बिहेव करते हो, इसे लगा कि हमने आपको दिया ही नहीं है, ऐसा ना कभी बोला मत किया करो। मैं क्या कह रही हूँ, मैं सबके बर्थडे वाले दिन क्या दूंगी, तुम सजा दे दो, सजा दे उस रूम में, सजाना मैं इसी रूम में सजाना। खाना कब से निकाल के रखी है लेकिन पता नहीं, दस घंटा हो गया लेकिन खाने का टाइम नहीं है कि खाना खा ले। खाना सूख रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी अचार पानी रख दिए हैं, लेकिन पता नहीं इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं कब आएंगे। इधर बच्चे लोग भी सोच रहे हैं चाचा जल्दी से खाएं, हमारा वीडियो शूट करें, है ना। मैं नहा ली हूं, मैं तो नहा ली हूं, नहा के फिर वही कपड़ा पहन ली। जैसा कि दोस्तों हम खाना भी खा लिए, नहा भी लिए हैं, कपड़ा दूसरा पहने और ये नहीं सुन रहा है, कपड़ा दूसरा पहनने से क्या होता है। और मैंने आज थोड़ा सा कुछ नए लुक में ड्रेस पहना है, तो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट में बता दीजिएगा ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और वंदना दी का ब्लॉग आने वाला है, लेटी ही है तो लेटने में तो अच्छा लगता है। और ये अपना वीडियो एडिट कर रहे हैं, और जैसा कि हमने आपको बोला कि हमने पतिदेव को कैमरा दिया है, तो दोस्तों मैं वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि उनके फ्रेंड ने दिया, मैं ऐसे इनसे ऐसे बोल, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इनको कैमरा दे सकूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इनको कैमरा दे दूं, और इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये मेरे को एक मोबाइल दिला दे। मेरा मोबाइल खराब हो गया है लेकिन ये मेरे को फोन नहीं दिला रहे। आप सब बोल रहे होंगे कि किटो दीदी के जब ब्लॉग शूट करती है तो उनका क्वालिटी थोड़ा अजीब रहता है, अच्छा नहीं लगता है, क्या करें। जो फोन है ये मेरे सगाई का फोन है, ये जब मेरी सगाई का फोन दिए ने तोड़ ताड़ दी तो क्या करें। हाय रब्बा, आईफोन नहीं तोड़ दी थी वो, मैंने तोड़ा था, वो आप तोड़े थे, झूठ मत बोलिए। तो इनका भी ब्लॉग आने वाला है, आप लोग देखिए 3 बजे ब्लॉग आएगा, वरना एंड किटो ब्लॉग्स। तो ये देखिए 3 बज गया है, तो सब लोग वेट कर रहे हैं, सबके फोन में लगाएंगे आएगा। पैजामा पहनी, आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि वंदना दी पैजामा पहनना भूल गई क्या, स्किन कलर का है, तो इसलिए लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि पैजामा पहनी है कि नहीं पहनी है। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग हमारा आप सबको पसंद आएगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वंदना दी को भी बहुत सपोर्ट दीजिए, बहुत मेहनत कर रही है, मेहनत का फल मीठा होना चाहिए। आजकल ये बस जब इनको ब्लॉग शूट कराना था तभी ये मेरे ब्लॉग में आते हैं, और मेरे को इतनी गुस्सा आता है कि हम आप सबको बता नहीं सकते हैं। बाबू दे, ऐसे मोबाइल छीन के देना, बाबू मोबाइल दे दो, देखो बाबू मोबाइल लेकर, बाबू मम्मी का ब्लॉग लगाओ उनका। और हम खाना खा लिए तो अब चल रहे हैं, हम पानी पीने हैं, गरम गरम पानी पीते हैं। तो छीन कर, अभी छीन कर, अब बाबू नहीं दे रहा है तो छीन कर हम कैसे दे दें। आपका कब दिमाग नहीं खराब होता ये बताओ, दे रहे हैं। वो भाग गया, वो बोला कि हम नहीं देंगे। अगर आप सबको हमारा ये फुल ड्रेस देखना रहेगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, ये हमारा इंस्टा आईडी, और वहाँ पे हम ढेर सारा वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। अमित जैसल मेरा है और इनका अमित जयसवाल है, और इनका लाइक वंदना 31 है, 31 ओनली लाइक वंदना, अच्छा लाइक वंदना, ओनली लाइक वंदना, आप लोग प्लीज इनको फॉलो करिए, वहाँ पे बहुत अच्छा ये भी वीडियो बना रही, बहुत मेहनत कर रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी वीडियो पर बात करते हैं, बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।